अस्सलाम वालेकुम। दो दिन पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें मैंने दुआ ज़ेहरा और ज़ेही के हक में लिख दिया था। मुझे तब तक बिल्कुल पता नहीं था कि ये किडनैपिंग का किस्सा है और दुआ ज़ेहरा अंडर एज है। मैं दुबई में थी और दुबई में मैं वेकेशंस पे थी, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, तो मेरे पास शायद थोड़ा टाइम था। मैंने देखा और फिर कुछ यूट्यूबर्स की चीज़ें मैंने देखी, इनके कुछ इंटरव्यूज देखे, मैंने परसेप्शन बना लिया जो कि गलत था। सॉरी करने में कोई मजायका नहीं है और सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। मेरे बड़े सारे फैंस हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और आवाम से ही स्टार होता है और आवाम को नाराज करना ये मुझे नहीं आता और मुझसे नहीं होता। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची है। इनफैक्ट मुझे भी पहुंची है। जब मुझे पता चला कि दुआ ज़ेहरा का केस क्या है, जब मानी ने मुझे सारा बताया, बिठाया, दिखाया, तो मैं काफी परेशान हो गई उनके पेरेंट्स के लिए कि किस कर्प से वो गुजरे होंगे। और डेफिनेटली मैं भी एक बेटी हूं और मुझे पता है कि जब मैं परेशान होती थी या अभी मैं हूं परेशान, तो मेरे अब्बू होते तो वो भी कितने परेशान होते मुझे ऐसे देख के। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब वीडियो नहीं बनाओ, बात नहीं करो, बट क्योंकि मैं बहुत नेचुरल हूं और मैं वन टू वन बात करना चाहती हूं अपनी आवाम से, अपने लोगों से, जो मेरे करीबी लोग भी हैं। उन्होंने भी जब ये पढ़ा तो वो भी मुझसे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता नहीं था। और मुझे वाकई नहीं पता था। और मुझे पता है कुछ लोग अभी ये भी बोलेंगे कि हिना मानी रो रही थी और फलाना थी, और कोई बात नहीं, आप लोग बोल रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि सॉरी करने में कोई मजायका नहीं है। सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। और इंसान जिस भी ओहदे पे हो, अगर उसने गलती की है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। तो मैं माफी मांगती हूं आप सबसे।